खबर उन्नाव से है, जहां के अब्बास बाग में प्राइमरी स्कूल की जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर बच्चे अध्ययन करने को मजबूर हैं। टीचर ने बताया कि जब से स्कूल बना है तब से इसमें कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, सिर्फ एक बार पेंट हुआ था। बताया कि दो क्लास की छत से बड़े बड़े पप्पड़ उखड़ कर नीचे गिर रहे हैं। भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारों से छत से लगभग सभी क्लासरूम में पानी टपक रहा है, जिसकी हालत देखकर स्कूल के शिक्षक ने ही जर्जर हो चुके भवन को बंद कराकर दूसरे भवन में बच्चों को बैठाकर शिक्षा दी। वहीं शिक्षक की जान जोखिम में डालकर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वहीं बच्चों के सर पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या नाम है? नाम शकीला सुल्ताना। ये स्कूल जो है इसकी स्थिति खराब है, क्या कहीं शिकायत की इसकी आपने? नहीं, शिकायत नहीं की थी। उस पर जो हम लोग का मिशन है, मिशन प्रेरणा पर हम लोगों ने डाला था, मांगा गया था कि जो जो स्कूल जर्जर हो वो अपनी स्थिति बता दें। क्या स्थिति इसकी है, पप्पा पर डूब रहे हैं क्या? हाँ, इसकी छत भी जर्जर हो गई है और पीछे वाला रूम भी, वहाँ भी पानी टपकता है, मतलब बच्चे बिठाने वाला नहीं है वहाँ। तो बच्चे फिर कहाँ बैठे हैं? एक रूम की स्थिति ज़रा बेहतर है, तो वहीं पर बच्चों को पूरे एक से पाँच तक के बच्चों को ही बिठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे स्कूल को? हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब हम लोग को जल्द से जल्द स्कूल जो है वो बना दिया जाए दूसरा, या तो हम लोग को थोड़े दिनों के लिए कहीं शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक नहीं है यहाँ। हाँ, मतलब पानी जब तेज़ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बहने लगता है।